फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इसी खूबसूरत फूल के बारे में बात करेंगे। बहुत ही खूबसूरत फूल होता है गर्मी का ये। और फ्रेंड्स, अगले सीज़न के लिए हमें कैसे इसको बचा के रखना है, तो इस पर ही आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं बबली आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने बगिया में। हमारे बगिया में बहुत ही सारे पर्सलेन खिले हुए हैं फ्रेंड्स, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। आज सुबह सुबह ये फूल खिल जाता है, दो कलर के हमारे पास हैं। तो उम्मीद है कि ये फूल आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद होगा। और आज का वीडियो अगर आप सबको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स। अगर चैनल पर पहली बार आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी करना और ऑल के साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलना। अगर आप सब ये वीडियो इंस्टाग्राम फेसबुक मोज कहीं भी देख रहे हो तो वहाँ पर मुझे फॉलो करना, मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना। तो फ्रेंड्स देखिए, दो कलर में है, बहुत ही खूबसूरत है। तो देखिए, ये अभी अच्छे से खिले नहीं हैं क्योंकि इस साइड अभी धूप आए नहीं है फ्रेंड्स। तो सुबह सुबह ये फूल खिल जाते हैं और इसमें बहुत सारे कलर आते हैं। तो आप इस पौधे को फरवरी से लेके अक्टूबर तक फ्रेंड्स लगा सकते हो। मार्च के बाद इसमें फूल आना स्टार्ट हो जाता है और पूरे अक्टूबर तक भर के इसमें फूल आते हैं। और नवंबर के बाद जैसे ही ठंड शुरू हो जाती है तो ये फूल खिलना थोड़ा कम हो जाता है, इसके फूल का साइज थोड़ा छोटा होने लगता है। और दिसंबर जनवरी में इसके ब्रांच सब फ्रेंड्स सूखने लगते हैं, तो उसके लिए हमें इस पौधे को सेव करके रख लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत पर्सलेन का फूल होता है। अगर आपको कोई भी कलर अभी लगाना हो तो आप अभी इसका कटिंग लगाओगे तो बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। अभी क्या, कभी भी इसका कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं, सिर्फ ठंड में ये उतने अच्छे से नहीं लग पाते। और इसमें फ्रेंड्स दो से तीन दिन में रूट बन जाते हैं। पर्सलेन पोर्चुल का बहुत ही खूबसूरत गर्मी के फूल होते हैं और इसमें बहुत सुंदर कलर सब आते हैं, जो हमारे पास उतने कलर नहीं हैं। दो कलर है, दोनों बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और पूरे गर्मी में इसमें फूल आते रहते हैं। और इसको हमें तेज़ धूप में रखना है जिससे कि इसमें भर के फूल आए। अगर हम इस पौधे को छाए में रखेंगे फ्रेंड्स तो इसमें फूल नहीं आएगा, पौधा तो घना रहेगा पर फूल की मात्रा कम होगा। अगर हम तेज़ धूप में रखते हैं तो इसमें भर के फूल आते हैं। और फ्रेंड्स, लगातार फूल लेने के लिए हमें इसमें लगातार फर्टिलाइज़र भी देना पड़ता है। तो आप इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र दे सकते हो, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, कोई भी, किचन वेस्ट से ही बहुत अच्छे से फूल आते हैं। और फ्रेंड्स, जब इसमें फूल ना आए तब आप कुछ दाने की DAP के दे सकते हो। वैसे आप मिट्टी बनाते समय अगर अच्छे से फर्टिलाइज़र दे दोगे किचन वेस्ट ही, तो बहुत अच्छे से फ्रेंड्स फूल देते रहते हैं। आप इसके लिए कैसी भी मिट्टी बना सकते हो, इसके लिए कोई स्पेशली ये नहीं है कि ये मिट्टी ही बनाना है, ये कैसे मिट्टी में भी बहुत अच्छे से चल जाते हैं। पर पानी उसमें नहीं रुकना चाहिए, पानी निकल जाना चाहिए और इस पौधे को रोज़ पानी चाहिए। अगर हम ज़्यादा पानी देते हैं तो फ्रेंड्स इसके जड़ गल जाते हैं, पर मिट्टी सूख जाए तब हमें पानी दे देना है, पानी की कमी नहीं करना है। वैसे इसके पौधे के पत्ते में भी बहुत पानी भरे रहता है, तब भी मिट्टी ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, नहीं तो पौधे अच्छे ग्रोथ पे नहीं रहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें सप्ताह में 10 दिन में लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है। किसी भी चीज़ का हम बना के दे सकते हैं, केले छिलके का, उससे फूल इसमें बहुत ज़्यादा आता है। और किचन वेस्ट का, जितने भी किचन में हम यूज करते हैं प्याज के छिलके का, तो फ्रेंड्स इसमें मिलीबग्स बहुत ज़्यादा मात्रा में लगता है, इसीलिए हमें प्याज के छिलके का लिक्विड इसके पत्ते पे भी स्प्रे करना है और मिट्टी में भी देना है। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से ये फूल देते रहते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। आप अभी भी इसका कटिंग लगा के अगले सीज़न के लिए सेव करके रख सकते हो। अगर आपके पास नहीं है कोई कलर तो अभी अपनी बगिया में ये कलर ऐड कर लो और बहुत ही खूबसूरत फूल लगते हैं। तो देखिए, छोटे से बोटन में लगा हुआ है, कुछ दिन पहले ही इसमें लगाई थी और देखिए कितने अच्छे से फूल आ रहे हैं इसमें। तो मैं काफ़ी वीडियो में ये फूल दिखाई हूँ, इसमें रोज़ फूल आते ही हैं क्योंकि ये धूप में रखा हुआ है और कुछ दिन पहले ही लगाई थी, तो इसके रूट उतने भरे नहीं हैं अभी, तो इसलिए इस पौधे को जो मिट्टी में फर्टिलाइज़र है वो अच्छे से मिल रहा है, तो फूल इसमें लगातार आ रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत
पर्सलिन के फूल होते हैं, सुबह सुबह खिल जाते हैं, 2 बजे तक खिले रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें मिलीबग्स बहुत ज़्यादा मात्रा में लगते हैं। जैसे ही हिबिस्कस में लगते हैं तो हमें पत्ते को पीछे के साइड भी देखते रहना चाहिए। अगर हमें कहीं एक दो भी दिखता है तो उसी टाइम स्प्रे करके या पानी से स्प्रे करके या किसी लिक्विड से, या तो हम हमारे घर में जो सरसों का तेल या वीम लिक्विड इस मिला के, मैं काफ़ी वीडियो में दिखाई हूँ, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे काम करते हैं ये सब। तो फ्रेंड्स, हम जब भी पानी देते हैं इस पौधे को नहला के देते हैं तो उससे पत्ते साफ रहते हैं, तो इसमें मिलीबग्स या कोई कीड़े नहीं लगते और भर भर के फूल आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये फूल ज़रूर पसंद होंगे। अगर आपको अभी भी लगाना है तो आप लगा सकते हो और अगले सीज़न के लिए सेव करके भी रख सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगले सीज़न के लिए कैसे रखना है पर्सलिन पोर्चुल का, इस पर मैं दूसरे वीडियो में दिखाऊँगी। तो अभी मैं लगाई नहीं हूँ, पर अभी कुछ कलर मैं अगले सीज़न के लिए सेव करके रखूँगी। जो पोर्चुलका के इस बार हमारे गार्डन में अपने आप ही कलर शामिल हो गए हैं, तो उसको मैं अलग करके लगाऊँगी जिससे कि पता चले। और बहुत ही खूबसूरत फूल पर्सलिन के होते हैं, कटिंग से बहुत आसानी से तैयार हो जाते हैं। वैसे ही इसमें बीज भी बनते हैं, तो बीज अपने आप ही झड़ते रहते हैं, तो अगले सीज़न में अपने आप ही फ्रेंड्स उगते रहते हैं। पर मैं तो इस बार ही पर्सलिन इतना लगाई हूँ, और दूसरा कलर जो लाल वाला है वो कुछ दिन पहले ही मैं कटिंग शामिल की थी और बहुत जल्दी ही उसमें फूल आने लगे और बहुत सारे भर जाते हैं। अगर हम अच्छे से फर्टिलाइज़र दे के मिट्टी बनाते हैं तो बहुत जल्दी ये भर जाते हैं, और तेज़ धूप में रखते हैं तो बहुत अच्छे से फूल आते रहते हैं। बस हमें पत्ते को देखते रहना चाहिए जिससे कि कीड़े का इसमें घर ना हो, नहीं तो अगर कीड़े लग जाते हैं तो फिर फूल आना बंद हो जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज का टॉपिक आप सबको ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी करना। और अगर आप सब ये वीडियो इंस्टाग्राम, फेसबुक, मोज कहीं पे देख रहे हैं तो वहाँ पे मुझे फॉलो करना, मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य देना। फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी खास टॉपिक के साथ। आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय।